नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ की तस्वीरें उससे संबंध में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको पूरा का पूरा खेत है जो पानी से लबालब भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आपसे कुछ ही समय पहले की जो यहाँ पर पानी आया है, पानी का सैलाब अचानक से आने से यहाँ के किसान एकदम से भयभीत हो गए कि अचानक से हमारे खेत में इतना पानी का सैलाब कैसे आ गया। क्योंकि आज दिन भर बारिश थी और बारिश की वजह से भी कई जगहों पर पानी की भराव की सूचनाएं थी। लेकिन जिस जगह से मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये पानी बरसात का नहीं है। यहाँ पर अचानक से पानी का सैलाब आया, किसान भाई खेत में निदान कर रहे थे, उसी वक्त अचानक उनके पास में नदी की तरह पानी खेत में घुसता है और किस तरीके से पूरी की पूरी बाजरे की फसल है उस फसल को घेर लेता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ साथियों, बालोतरा के पास की, तिलवाड़ा और बोरावास गांव के पास की, जहाँ की। और यहाँ पर अचानक से जो पोकरण बालोतरा फरसोन पेयजल योजना है, उसका बड़ा सा पाइपलाइन है वो फूट गया। फूटने की वजह से पूरा का पूरा पानी है जो खेत के अंदर घुस गया। और अब से कुछ ही घंटे पहले की ये घटना है, लेकिन अभी भी वो पाइपलाइन से पानी की जो धार है वो निकल रही है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ किस तरीके से, जहाँ से ये पाइप फूटा हुआ वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये अभी भी पानी यहाँ निकल रहा है। और यहाँ से पानी की जैसे ही पाइपलाइन फूटी और पानी का सैलाब है पूरे खेत के अंदर घुस गया, और पूरे का पूरा खेत यहाँ से आसपास के सैकड़ों बीघा में फैली हुई फसलों को बर्बाद कर दिया है। और यहाँ के किसान भाई जो यहाँ पर खेती करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अब जहाँ पर हम रहते हैं हमारी झोपड़ियाँ इन खेतों में हैं, उन झोपड़ियों में भी एक से डेढ़ फीट तक पानी घुस गया है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान किसानों को इस पाइपलाइन फूटने की वजह से हुआ है। हालांकि अब जानकारी मिली है कि जैसे ही प्रोजेक्ट के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, तो उन्होंने अब पीछे से पानी की सप्लाई बंद करवा दी। लेकिन जो पाइपलाइन है, पड़ी लाइन का पानी है, वो लगातार बह रहा है पिछले कई घंटों से। और ये पूरा का पूरा खेत देख रहे हैं, पूरे पूरे खेत में पानी, मान सकते हैं कि पूरा का पूरा खेत है जो तालाब में तब्दील हो चुका है। और जो बाजरे, गेहूं, माफ कीजिएगा, बाजरा, मोट, गवार की यहाँ पर फसल थी, वो अब पानी के अंदर डूब चुकी है। जैसा कि अपन देखते हैं कि धान की फसल होती है, चावल की फसल होती है, उसी तरीके से खेत है पूरा पानी से भर चुका है। यहाँ पर किसान भाई भी है जो यहाँ खेती करते हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा, जानूंगा किस तरीके की तकलीफ है और किस तरीके से ये घटना घटित हुई। साथियों, ये तस्वीर दिखा रहा हूँ बालोतरा के पास, तिलवाड़ा और बोरावास गांव के पास की। यहाँ पर कोई किसान भाई है, उनसे भी जानकारी चाहूंगा किस तरीके से घटनाक्रम हुआ और कब ये पानी की पाइपलाइन फूटी। अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम राजूराम है। मैं यहाँ का इसी गांव से हूँ और मेरे ये खेत मेरे ही है। लगभग 4 बजे ये पाइपलाइन फूट गई थी और मैं यहाँ बाप पर निदान कर रहा था और अचानक पानी आ गया, पूरा मेरे पानी से पूरे मेरे को घेर लिया। फिर मैंने सोचा कि बारिश तो थोड़ी धीरे-धीरे बारिश की, ऐसा नहीं कि पानी कहाँ से आ गया। फिर देखा तो हम वहाँ से इधर आए तो देखा कि पूरा यहाँ से पाइप लाइन पूरी लीकेज हो गई है और लगभग 2 फीट तक पानी का ये पाइप लाइन फूटी हुई है। इनका खड्डा भी 15-20 फुट तक खड्डा हुआ है यहाँ पर खेत के अंदर। और हमको, हमारे यहाँ पर झोपड़ी वगैरह है, हम यहाँ पर रहते हैं और हम रहते हैं वहाँ पर 1.5-2 फुट तक पानी पड़ा है और रहते हैं कहाँ पर। अच्छा, कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचा? मूंग, माठ, ग्वार, बाजरा, तिल, ज्वार, ये मैंने फसल बोई हुई है। ये रबी की फसल, ये पूरी खरीफ की फसल पूरी खराब हो गई। अच्छा, कब आपको जानकारी मिली, आप क्या कर रहे थे उस समय? हम निदान कर रहे थे, हमको तो मालूम था ही नहीं कि भाई ऐसा ना कि ये पैदा फूटेगी। बात तो देखिए, अब आस पड़ोस के किसान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, खेतों के किसान, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है, जिस तरीके से ये अचानक से पानी का सैलाब इन किसानों के खेतों में गया है, तो किसान बेहद परेशान है। किसान कह रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत से इन फसलों को संवारा था, लेकिन आज जिस तरीके से ये पानी अंदर घुसा है, पता नहीं अब कब सूखेगा, तब तक ये पूरी की पूरी फसलें हैं तब बर्बाद हो जाएगी। और जिस तरीके से ये किसानों ने ये भी कहा है कि कुछ समय पहले यहाँ पर छोटा सा लीकेज था, तो हमने सूचना दी थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। किस तरीके से पहले क्या छोटा लीकेज था यहाँ पर? हाँ जी, था पहले छोटा लीकेज, हमने सूचना दी तो वो कह रहे थे कि हम ठीक करा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। और ये पाइपलाइन फूटी तभी हमने उसको सूचना दी, लेकिन अब 5 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई नहीं आया अधिकारी। और ये पूरा खेत पूरा पानी से भर गया, बाजरा मतलब टूट गया है, इतना पानी का बाव तेज है। नदी का भी पानी इतना तेज नहीं होता लेकिन ये पानी इतना तेज चल रहा है और ये पूरा नुकसान हो गया। अब इसके नुकसान की भरपाई कहाँ करेंगे? हम किसान लोग, मजदूर आदमी कहाँ से लेंगे? इतना लाखों रुपया खर्च करके हमने ये लगाया है, ब्याज दूना लाके पैसा हम खेती में लगाए, अब हमारी तो फसल बर्बाद हो गई, अब इसका जिम्मेदार कौन है?
सही बात है, क्योंकि निदान आई हुई फसल है, अब न, न, बड़ी हो रही थी और आप आस लगा रखे थे कि अब अच्छा जमाना होगा। होगा सर, हमने तो ये आस लगाई कि हमारा खेत में जमाना होगा और अब की बार बरसात भी ठीक है और हमको मालूम है कभी होगा बरसात फिर फसल होगी, पूरी फसल खराब हो गई है, अब हमारा नुकसान तो हो गया। अभी ये तैयार तो होने वाली नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम आस किससे लगाए, अब भगवान से थी वो भी पूरी होगी और इन अधिकारियों से थी वो उन्होंने पूरा कर दिया हमारे खेत में नुकसान। सही है, उन्होंने बर्बाद, उनकी लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गया। देखिए किसान भाई यहाँ पर पहुंचे और तमाम किसानों की यही मांग है कि हमारी जो फसलें हैं वो बर्बाद होगी। बासा कहीं आओ घटनाक्रम कटू आयो पानी तो तारे पानी कैसे क्यों आयो तो तार खेत्र में हमारे खेत्र में कुकिया ना मुंह कटो तो नहीं लो हाँ मुंह दोहोड़े ना आयो जनो हनो थे दोहानी ढगे पानी पर अड़ियो। सही बात है, निश्चित तौर पर किसान भाइयों की मांग है कि बाबूजी आप आइए। बाबूजी क्या घटनाक्रम हुआ था, अब क्या स्थिति है, क्योंकि लगभग 4 बजे की बात है, यहाँ से एकदम पाइपलाइन फटी यहाँ से और पूरा का पूरा तालाब की तरफ खेत पानी है। ये लोकेशन किस जगह पर आई हुआ खेत, ये तिलवाड़ा के पास, तिलवाड़ा बागुंडी के बीच में। अभी क्या स्थिति है पूरे खेतों की, पूरा खेत भरे हुए हैं, 2-3 खेत हमने देखे अभी पूरे के पूरे भरे हुए हैं और यहाँ आगे कच्ची झोपड़ियाँ भी बनाई, उसके अंदर 1.5 फीट पानी छोड़ा तो पूरी कच्ची उनका बर्तन सामान वगैरह वो जो किसान भाई खेतों में रहते हैं रात के, हाँ किसान खेत में रहते हैं तो उनके लिए वो बर्तन है, कपड़े वगैरह वगैरह वो सब पानी में बह रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ तिलवाड़ा और बोरावास के पास की, पूरा का पूरा खेत पानी से भरा हुआ है, काफी रात भी हो गई, अंधेरा है भैया लेकिन पानी दिखाई दे रहा है, अंधेरे में भी आपको पानी की तस्वीरें दिखाई दे रही, किस तरीके से पूरा का पूरा खेत है जो पानी से लबालब भरा हुआ है। साथियों मैं ये तस्वीरें बालोतरा के पास की बोरावास की दिखा रहा हूँ और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि इसी तरीके की बालोतरा क्षेत्र की खबरें देखने के लिए आप बंसी चौधरी का पेज भी फॉलो अवश्य कीजिए। बंसी चौधरी के पेज पर भी आपको बालोतरा क्षेत्र की तमाम खबरें मिलती है और बंसी चौधरी के पेज का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और उस पेज को भी आप फॉलो अवश्य कीजिए ताकि बालोतरा क्षेत्र की है वो खबरें आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की तस्वीरें हैं, मैं आपने दिखाई मैंने कि जिस तरीके से यहाँ पर ये तमाम किसान भाई यहाँ पर पहुंचे हैं, इनको काफी नुकसान भी हुआ है और प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि कोई अधिकारी किसी तरीके से इनको फसलों का मुआवजा या किसी तरीके की राहत मिलती है तो जरूर दिलाए, क्योंकि इनकी मांग है कि हमने जिस तरीके से पूरे के पूरे खेत में फसलों को उगा दिया था, काफी बड़े भी फसलें हो गई थी, आप दिखा रहा हूँ कितनी बड़ी फसल हो गई थी, अब ये खेत में निदान निकाल रहे थे लेकिन अचानक से ये पाइप फूटता है और पानी का सैलाब इनके खेत में आ जाता है और एक नदी की तरह अब खेत में जिस तरीके से पानी आया है पूरा का पूरा खेत है जो अब तालाब में तब्दील हो चुका है। तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों को जो अब फसल ऐसी फसल की आस थी लेकिन अब उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। साथियों इस वीडियो को एक बार किसान भाइयों के लिए शेयर कर दीजिए ताकि जो भी प्रशासनिक अधिकारी या कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी इसको देख रहे हैं तो किसी भी ये एक प्राकृतिक आपदा न होकर एक आपदा ही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने तो अच्छी आस के साथ अपनी खेतीबाड़ी कर रहे थे लेकिन एक आपदा के रूप में ये पानी का पाइप फूटता है और पूरा का पूरा खेत है जो पानी से भर जाता है, क्योंकि पोकरण फरसोन बालोतरा पेयजल योजना का बहुत बड़ा पाइप है और इसकी हजारों गैलन लीटर पानी इसमें से बहता है। तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है और पीछे भी वो किसान भाई खेतों के अंदर खड़े हैं वो लाइट कर रहे हैं कि यहाँ भी पानी बहुत पहुंच चुका है, क्योंकि एक खेत नहीं आसपास के 3 से 4 खेतों में इस तरीके से पूरे के पूरे खेत तालाब बन चुके हैं और काफी नुकसान किसान भाइयों को हुआ है। तो साथियों किसान भाइयों के लिए इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए आप।